नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें ये काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि यदि काफ़ी स्टूडेंट के सेम नंबर है तो उनको मेरिट किस बेस पे दी जाएगी। तो इसमें नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि यदि आपके सेम नंबर है तो किस प्रकार से आपको मेरिट दी जाएगी। तो इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन है जो वेबसाइट पर मिल जाएगा, और ये नोटिफिकेशन गाइडलाइन है वहाँ पर दे रखा है, गाइडलाइन फॉर BS नर्सिंग काउंसलिंग एडमिशन सेशन 2020-21। इसमें आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा, आप ठीक से पढ़ भी सकते हो। तो मैं आपको इसको फट के बता देता हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें देखो, फर्स्ट स्टेप में दे रखा है यदि आपके सेम नंबर है, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट की बात करें तो 78 नंबर है जो काफ़ी स्टूडेंट के सेम है, तो इनमें से किसको हाई मेरिट मिलेगी। इसमें देखो, अपन फर्स्ट नंबर पर देखेंगे 10+2 एग्जामिनेशन इन लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट विल बी गिवन प्रिफ्रेंस। जिन बच्चों ने 12th केवल एक ही बार में पास कर लिया है उनको हाई मेरिट मिलेगी। जैसे 78 नंबर है, 78 नंबर चार बच्चों के हैं, मान लेते हैं 78 नंबर है जो चार बच्चों के हैं, तो 78 नंबर चार बच्चों के हैं, सभी ने एक ही अटेम्प्ट में 12th पास कर लिया है। तो अगली प्रिफ्रेंस देखेंगे, इफ देयर इज फर्दर टाई द रिलेटिव मेरिट विल बी डिसाइड बाई द एज। यदि ये पहला ए ऑप्शन है, ये टाई हो जाता है तो फिर बाद में एज के अनुसार अपन मेरिट बनाएंगे। इसमें दे रखा है द कैंडिडेट ऑफ हाई एज, यानी कि ओल्डर कैंडिडेट है, विल बी प्लेस ऑन हाई मेरिट। जो बच्चा एज में अधिक होगा उसकी हाई मेरिट मिलेगी। जैसे अपन चार बच्चों की बात कर रहे थे तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हाई मेरिट मिलेगी। यदि इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ सेम होती है तो आगे ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन फिर अप्लाई होगा। ऑप्शन बताया है इफ देयर इज फर्दर टाई, यदि ये फर्स्ट और सेकंड ए और बी दोनों टाई हो जाते हैं तो फिर बाद में आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 10th की मार्कशीट में जिसकी हाई परसेंटेज रहेगी उसे हाई मेरिट दी जाएगी। यदि 10th में सेम परसेंटेज है तो फिर 12th की परसेंटेज देखी जाएगी, और 12th की परसेंटेज में जिसके हाई मार्क्स रहेंगे उसको हाई मेरिट दी जाएगी। तो ये चार पॉइंट है जिसके आधार पे मेरिट बनती है। फर्स्ट नंबर पे है 12th, जिन्होंने कम नंबर में 12th पास किया है वो रहेगा सबसे ऊपर। यदि 12th सभी ने एक ही बार में पास कर लिया है तो सेकंड ऑप्शन इसको देखेंगे, ओल्डर एज कैंडिडेट हाई मेरिट पे रहेगा। और यदि एज भी समान होती है तो थर्ड नंबर फिर सेकेंडरी यानी कि 10th की परसेंटेज देखेंगे। फोर्थ नंबर पर है जो सीनियर सेकेंडरी की परसेंटेज देखेंगे। तो इसके अनुसार ये परसेंटेज बनती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें देखो, रिजोल्यूशन के बारे में बोला है कि जो रिजोल्यूशन है वो 50% से कम नहीं होगा टोटल सीट है। इसमें बोला है द कोर्स ऑफ स्टडी फॉर BS नर्सिंग शैल बी ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल नॉट फेल बिलो 50% ऑफ द टोटल सीट। इसमें है BS नर्सिंग कोर्स है जो दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए ओपन है, और इसमें 50% सीट है जो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगी। आगे इसमें बोला है द प्रिविजन ऑफ रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कॉलेज, जो भी रिजर्वेशन है वो सभी कॉलेजों में अप्लाई होगा। आगे इसमें आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। फर्स्ट नंबर पे है 15% सीट है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे 15% सीट है जो टोटल सीट विल बी फील्ड अप बाई द कैंडिडेट ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव ऑफ राजस्थान। 15% सीट है जो ऑल इंडिया के लिए रिजर्व रहेगी जिसमें राजस्थान भी शामिल होगा। यदि आप ऑल इंडिया से हो तो आपको SC ST OBC NCL MBC का ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास यदि अप्लाई होते हो तो आपके ये अप्लाई होंगे राजस्थान में। आगे इसमें ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं ऑल इंडिया में ये रिजर्वेशन रहता है तो ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। आगे है बी नंबर पे SC ST OBC MBC का जो रिजर्वेशन है 85% पे, जो कि राजस्थान में अप्लाई होता है, ये यहाँ पे दे रखा है। आगे बात करते हैं सी पॉइंट पे चलते हैं। सी पॉइंट पे दे रखा है इफ सीट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ फीमेल कैंडिडेट रिमेन वेकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी देन दैट सीट विल बी ट्रांसफर टू मेल कैंडिडेट ऑफ द सम कैटेगरी। बोला है कि यदि फीमेल कैटेगरी फीमेल की जो सीट है वो वेकेंट रह जाती है तो उसी कैटेगरी के बॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि गर्ल्स काफ़ी है तो सभी गर्ल्स की सीट कोई भी खाली रहने वाली नहीं है। और यदि खाली रह भी जाती है तो जो नोटिफिकेशन दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो खाली सीट रह जाती है गर्ल्स की, तो उसी कैटेगरी के बॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और यदि बॉयज़ भी नहीं रहते हैं तो ये ओपन सीट में हो जाता है और इस सीट पे कोई भी एडमिशन ले पाएगा। आगे 5th नंबर पे है 5% सीट आउट ऑफ इस कैटेगरी, 5% सीट है जो रिजर्व रहेगी किसके लिए, PH कैटेगरी के लिए। सभी जो भी रिजर्वेशन दे रखा है 16% SC के लिए, ST के लिए है, OBC के लिए, इनमें से 5% सीट है जो PH कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। आगे इसमें BH नर्सिंग कोर्स सेशन 2020-21 विल बी डन एज पर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ऑर्डर के अनुसार काउंसलिंग करवाई जा रही है। हाँ भाई, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स है जो रिपोर्टिंग के समय कॉलेज में जमा करवाने होंगे। और इसमें आगे दे रखा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनवाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है या आपको किसी भी, इसमें बोला है मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, जो भी मेडिकल ऑफिसर है उन्हीं से आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको जो कॉलेज अलॉट हो वहीं पे आप बनवाना, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी उसी के पास हॉस्पिटल भी होता है और उसी हॉस्पिटल से आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना कॉलेज अलॉट होने के बाद। मैं आपको बता दूँ, आपको काउंसलिंग में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन डाला है, आगे इसमें बताया है, देखो थोड़ा सा नीचे लेते हैं, टेंटेटिव सीट्स है इन द गवर्नमेंट कॉलेज इंक्लूडिंग सेल्फ फाइनेंस्ड 100% सीट ऑफ द सेक्शन इनटेक झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज NH12 कोटा रोड पाटन, इसमें 100 सीट है, 100 सीट में से 58 सीट है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी। इसमें प्राइवेट सीट भी है, प्राइवेट सीट की काउंसलिंग ये अपने स्तर पे करवाते हैं। 100 सीट में से 58 सीट की काउंसलिंग है जो RUHS नर्सिंग काउंसलिंग करवा रहा है। इसमें भी ये बोला है कि 50% सीट है जो ग्रस के लिए रिजर्व रहेगी। आगे इसमें है 50% सीट टेक 50% सीट ऑफ द टोटल सीट्स विल बी फील्ड बाई फीमेल कैंडिडेट इन द ऑल कैटेगरी इन केस नॉन अवेलेबल ऑफ फीमेल कैंडिडेट सच सीट्स सेल बी फील्ड अप बाई मेल कैंडिडेट ऑफ सेम कैटेगरी। तो ये ऊपर वाला ही नोटिफिकेशन है, इसमें कोई खास बात नहीं बता रखी है। यदि फीमेल कैटेगरी के नहीं रहते हैं स्टूडेंट तो ये मेल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी उसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। आगे इसमें टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स इन एफिलेटेड कॉलेज इन राजस्थान सेल बी नोटिफाइड एट RUHS वेबसाइट। जो भी कॉलेज है सीट नंबर है, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट एफिलेटेड कॉलेज है, उनकी लिस्ट है जो RUHS की वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, और ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता भी दिया था, और ये लिस्ट है जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। पिछली बार 156 कॉलेज थी, 156 कॉलेज थी और इस बार 157 कॉलेज हो गई है। इसमें से 10 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 10 गवर्नमेंट कॉलेज का नाम मैंने पहले बता दिया था। इसमें झालावाड़ नर्सिंग कॉलेज है जो भी गवर्नमेंट ही कॉलेज है, इसमें 58 सीट है जो गवर्नमेंट सीट है। इसके अलावा है एकेडमिक काउंसलिंग प्रोसेस है, ये जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बना के बता दूंगा। इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फटाफट से कमेंट्स करके पूछ सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, टेक केयर, लाइक शेयर।